यहां पर देख लेते हैं, यहां देखें पोस्ट ऑर्डर है। यहां देखें पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है क्या थर्ड। थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर। अच्छा जी, पोस्ट ऑर्डर हम करने जा रहे हैं तो थर्ड है, थर्ड हमारा पोस्ट ऑर्डर है। दो हमने देख लिए, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर। अच्छा पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट नोड एक्सेस करते हैं, फिर राइट नोड एक्सेस करते हैं, और आखिर में पेरेंट जो मेन सेंट्रल नोड है वो लास्ट में ट्रेवर्स की जाती है। LRN बनता है इसका सीक्वेंस, ठीक है। तो ये चूंकि नोड आखिर में पेरेंट आखिर लिए, इसलिए इसका नाम पोस्ट ऑर्डर है। पेरेंट जब दरमियान में होता है तो इन ऑर्डर कहते हैं, पेरेंट जब शुरू में होता है, एन की वैल्यू जहाँ होगी उस हिसाब से ये सीक्वेंस तरतीब दिया गया। तो अभी चूंकि एन की वैल्यू आखिर में, नोड को हम पेरेंट नोड को आखिर में एक्सेस करेंगे, तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे पोस्ट ऑर्डर। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। पहले हमने पहले लेफ्ट नोड लेनी है, ठीक है। तो ये सेंट्रल, ये तो सेंट्रल नोड है, इसका पूरा ये लेफ्ट साइड है, पूरा लेफ्ट साइड पहले लिया जाएगा, जाएगा राइट साइड बाद में। तो सेंट्रल नोड है, सेंट्रल नोड को तो नहीं लेंगे, सेंट्रल नोड तो आखिर में आएगी, ठीक है। तो हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड पे चले गए। लेफ्ट पे गए, हमें क्या टकराया, बी। बी पे भी हमने LRN लगा दिया, इसके भी हमें लेफ्ट पे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें लेफ्ट साइड सबसे पहले लेनी है। तो ये चूंकि नोड है बीच में, तो ये तो नहीं लेंगे, हम लेफ्ट साइड पे पहले लेंगे। हम सबसे आगे आगे चले गए, अब हमें टकराया डी, इसके भी हमने LRN लगा दिया, लेफ्ट का चेक करेंगे लेकिन इसका लेफ्ट है नहीं। फिर इसका राइट चेक करेंगे क्योंकि लेफ्ट के बाद क्या लिया जा रहा है, राइट। तो ना इसका लेफ्ट है डी का, ना इस डी का राइट है। जब डी का लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, तो ये डी खुद पेरेंट है, तो पेरेंट को आखिर में लिया जाता है, एन आखिर में है, उसको फिर हम लेंगे। और हमने लेफ्ट राइट चेक किया नहीं है, लेकिन पेरेंट है, डी हमने ले लिया और डी को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, लेकिन लेफ्ट के बाद बीच में पेरेंट आ रहा है नोड, और पेरेंट को तो हमें आखिर में लेना है, हमें तो राइट साइड लेनी है, लेफ्ट के बाद राइट साइड लेनी है। तो इसलिए हम बी पे आएंगे तो सही, लेकिन बी से गुजर जाएंगे, बी को लिखेंगे नहीं, इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पहले मुकम्मल करनी है। तो हम इसके राइट पे गए, राइट पे जाने के बाद हमें ई टकराया। ई पे भी हमने क्या लगाना है, LRN, इसका लेफ्ट राइट पहले करना है। तो ई का क्या देखेंगे, लेफ्ट है, यस लेफ्ट है, हम लेफ्ट पे चले जाएंगे। और लेफ्ट पे जाने के बाद अब हमें एफ टकराया, एफ पे भी हमने क्या लगाना है, LRN, लेफ्ट राइट नोड, ठीक है। तो क्या इसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट नहीं है, ठीक है, इसका लेफ्ट नहीं है। तो क्या इसका राइट है, क्योंकि पहले लेफ्ट चेक करना है, इसका लेफ्ट नहीं है। तो क्या इसका राइट है, राइट चेक करना है, इसका राइट भी नहीं है। आप नोड ये खुद पेरेंट मौजूद है, तो खुद मौजूद है, तो उसको ले लिया जाएगा एफ। तो हमने क्या ले लिया अगले में, एफ। फिर उसके बाद ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है। ई का जो लेफ्ट था वो कंप्लीट हो गया, ई का राइट नहीं है। ई का राइट होता तो हम वो लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट के बाद राइट चेक किया जाता है, लेकिन चूंकि ई का लेफ्ट तो है लेकिन राइट नहीं है, तो राइट नहीं है तो हम जाहिर है फिर इसका नोड ले लेंगे ई, जो सेंट्रल नोड को आखिर में एक्सेस करते हैं। और फिर हम वापसी पलट के, और फिर ये हमने लेफ्ट साइड लेफ्ट, इसका लेफ्ट मुकम्मल हो चुका है, ये इसका लेफ्ट था, राइट था बी, ये बी का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बी का राइट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बीच में चूंकि बी आया है, ये नोड है, तो हम नोड को लिख लेंगे बी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट नोड है, नोड को हमने लिख लिया। अब वापसी पलटे और ये सारा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, ए का पूरा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, ए का जो नोड का पूरा लेफ्ट साइड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए को हम तो आखिर में लिखेंगे, क्योंकि सेंट्रल नोड है, ठीक है। लेफ्ट साइड पहले कंप्लीट करते, अब हम राइट साइड बढ़ जाएंगे, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, अब हम राइट साइड बढ़ जाएंगे, राइट साइड यहाँ चले जाएंगे। राइट साइड जाने के बाद, राइट साइड जाने के बाद हमें नोड टकराई सी, सी का भी हमने क्या लेना है, लेफ्ट,
जाहिर है और सीक्वेंस के मुताबिक लेफ्ट नोड लेंगे फिर राइट लेना है। तो हमने ये सी टकराया, सी पे हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट है, यस लेफ्ट है, हम लेफ्ट पे चले जाएंगे। लेफ्ट पे जाने के बाद हमें टकराया नोड जी, जी का भी हमने क्या चेक करना है, लेफ्ट राइट नोड चेक करना है, लेकिन जी का ना लेफ्ट है, जी का ना राइट है, लेकिन खुद जी पेरेंट मौजूद है, ठीक है। तो जी को हम ले लेंगे, जी को हम ले लेंगे, जी को हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद ये देखो सी का जो है वो लेफ्ट कंप्लीट हो गया, सी सी तो पेरेंट नोड थी ना, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका राइट साइड देखना है, सी को नहीं लिखेंगे, सी की तो सेंट्रल नोड है, सेंट्रल नोड को तो आखिर में लिखना होता है, पहले लेफ्ट है फिर उसके बाद राइट है। तो जी के बाद जी जो कि लेफ्ट था, लेफ्ट लिख लिया। अब सी के राइट पे आएंगे, राइट लिखने के लिए हम एच पे जाएंगे, लेकिन एच पे भी चेक करेंगे, एल आर एन लगा देंगे इस पे कि लेफ्ट रोड नाइन, इस पे क्या इसका लेफ्ट है, तो इसका यस लेफ्ट था, लेफ्ट है। हम आगे बढ़ जाएंगे, लेफ्ट पे चले जाएंगे, जब टकराया जे, हम देखेंगे क्या जे का लेफ्ट साइड मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले हमने लेफ्ट को कम्बल करना है। तो जे पे भी एल आर एन लगा दिया और यहाँ लग गया, आपने आपने देखा हाँ वाकई में जे का लेफ्ट भी मौजूद है, तो आप लेफ्ट पे चले गए और आप आ गए एल पे। एल पे आने के बाद यहाँ पर भी आपने एल आर एन लगा दिया कि क्या इसका लेफ्ट है, लेकिन आपने देखा ना इसका तो लेफ्ट है नहीं। तो आपने चेक किया क्या इसका राइट है, इसका राइट भी नहीं है, लेकिन ये खुद नोड पेरेंट मौजूद है एल, तो फिर आपने इसको ले लिया एल, इसको ले लिया और यहाँ पर एल आ गया, ठीक है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, अब आपको राइट साइड जे का लेफ्ट तो कंप्लीट हो गया, अब जे का राइट चेक करना है, क्योंकि लेफ्ट के बाद राइट नोड देखनी है, लेकिन इसका राइट तो है नहीं, लेकिन पेरेंट खुद मौजूद है जे, तो पेरेंट को हम लिख लेंगे जे को। फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ आएंगे, अब एच का लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एच का लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एच के राइट पे जाएंगे, एच के राइट, क्योंकि लेफ्ट के बाद हमने क्या लेना है, राइट लेना है, तो एच के राइट पे जाएंगे। राइट पे हमें नजर आया के, राइट पे हमें नजर आया के, और के के ऊपर भी हम एल आर आर लगा देंगे, क्या इसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट तो है नहीं, क्या इसका राइट है, इसका राइट भी नहीं है। हाँ ये पेरेंट नोड खुद मौजूद है, के के को हम ले लेंगे, के को हमने ले लिया, ठीक है। फिर हमारा वापसी का सफर शुरू है, वापसी करते हुए हम यहाँ जा रहे हैं, और चूंकि देखो एच का लेफ्ट पूरा हो गया, एच का राइट पूरा हो गया, अब आखिर में आप एच को ले सकते हो, क्योंकि ये नोड है पेरेंट, पेरेंट नोड आखिर में है, लेफ्ट राइट एच का मुकम्मल हो चुका है, आखिर में नोड है एच, तो एच को आप ले सकते हो, आपने एच को लिख लिया। फिर आप जो है आगे गए, आपको सी का लेफ्ट हो चुका है, सी का राइट भी हो गया, एच का पूरा कपार्ट हो चुका है, सी का राइट भी हो गया है, अब आप सी ले सकते हो नोड, तो आपने सी को ले लिया। और फाइनली आप आखिर में ए को ले लोगे, क्योंकि ए का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है पूरा सारा, ए का राइट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आप ए को ले सकते हो, और आपने आखिर में ए को ले लिया, इस तरह वापसी होगी। तो ये क्लियर हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अच्छा, अरे अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई है, तो हर जगह पे जाके आपने वही लगाना होता है, अगर प्री ऑर्डर है तो हर नोट पे जाके प्री ऑर्डर लगाना होता है, अगर पोस्ट ऑर्डर है तो हर नोट पे जाके पोस्ट ऑर्डर लगाना होता है, इन ऑर्डर है तो हर नोट पे जाके इन ऑर्डर लगाना होता है, तो उस तरह से उस तरतीब पे हम लिख लेते हैं। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में, क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों के, तो इसका मतलब क्लियर है। 31 पार्टिसिपेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का हमने कर लिया। अच्छा जी, यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर देखो ये एग्जांपल दी हुई है कि ये ट्री बना हुआ है, इसको एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप देख लेना, ये ड्रॉ की थी एग्जांपल, कि एस क्या है, ये सेंट्रल नोड है, इसका चाइल्ड है के और पी, के का चाइल्ड है एम, एम का चाइल्ड, ए का लेफ्ट साइड नहीं है, राइट साइड है आई, इसका लेफ्ट नहीं है आई का, लेकिन लेफ्ट नहीं है राइट है वाई, इस तरह यहाँ पर पूरा दिखाया गया। अब आप यहाँ देखीजिए, तो ये मतलब ये आप खुद ही कर लेना, आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिखाया गया, अगर आपको एल एन आर करना है तो बीच में नोड आएगी, तो जाहिर है एस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एस को तो नहीं लेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे के आ जाएगा, के का भी लेफ्ट चेक करेंगे एम आ जाएगा, एम का भी लेफ्ट
चेक करेंगे लेफ्ट तो है नहीं, ठीक है, लेकिन नोड मौजूद है एम, तो एम को लिख लिया, ये साइड में लिखा हुआ दिखा रहा है एम, ठीक है। फिर इसके राइट पे जाएंगे, राइट पे जाके इस पर भी एल एनआर लगाएंगे, लेफ्ट तो है नहीं लेकिन नोड मौजूद है आई, तो आई को लिख लिया। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इस तरह से पूरा ट्रेवर्स किया है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने आ गई, और तीसरी एग्जाम्पल ये है, ये आप खुद, ये आपको मैंने एक ट्री दे दिया है आपके होमवर्क के लिए, एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका आप जनरेट करो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इसका, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्री बना दिया है, इसका आप जनरेट करना इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ताकि जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस एग्जाम के हवाले से, और आपस में मैच भी कर लेना सब आपस में एक दूसरे के साथ आंसर, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। सही है, होमवर्क मार्क होगा। नहीं मार्क नहीं होगा, ये तो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपस में आप आंसर शेयर करना है एक दूसरे के साथ, तो आपको तसल्ली होगी कि ये गलत बना या सही। ओके सर। प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ। अच्छा जी आगे चलते सर, मिड के मार्क्स कोशिश करके थोड़ा जल्दी अपलोड कर दें, ताकि हाँ बस हमें आप अपना ब्रेक का आइडिया हो जाए। जी जी मिड मिड अब आपका मिड ही लगेगा, आपके पेपर चेक हो रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि कल तक लग जाए। बाकी तो ठीक है सर, आपके थैंक सारे यू। मार्क्स लग चुके हैं, जितना अभी तक हमने किया सब लग चुका है, मिट का रह गया है वो भी इंशाल्लाह लग सर जाए। बस आप अपलोड करने के बाद एक दफा फेसबुक पे एक पोस्ट कर दीजिएगा कि मार्क्स हाँ मैं अपलोड हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं हर चीज पोस्ट करता हूँ जी फेसबुक पे, जी जैसे ही जी सर जी सर, ठीक है अपडेट ठीक करता हूँ, अपडेट करने के बाद अगला काम मेरा फेसबुक पे पोस्ट करना होता है। सर, कल अच्छा का प्रोजेक्ट। कोई क्विज का, अच्छा जवाब सवाल पूछा, क्विज कल होगा भाई, कल क्लास है ना हमारी शेड्यूल क्लास है, और कल क्विज होगा, कल कौन सा क्विज सर होगा? कल तो प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन है सर। हाँ प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन है, बीच में हम गैप लेंगे 15 मिनट का जिसमें क्विज होगा, और वो 15 मिनट का गैप होगा 10:15 से 10:30, ठीक है, 10:15 से 10:30 ऐसे कुछ गैप लेंगे बीच में 15 मिनट का, उसमें क्विज होगा। और क्विज कौन सा होगा? जो हमने आज पढ़ा है उसका, आज जो पढ़ा ठीक है है सर। उसका क्विज इन होगा, ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ना सर? ये पूरा जो है शुरू से जो पढ़ा है बाइनरी ट्री, और मैं आज ही पूरे अभी ट्री। अपलोड कर देता हूँ, मैं बाइनरी ट्री का पूरा जो है आज हमने जो पढ़ा अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर स्लाइड्स वगैरह सब कुछ आप देख लेना, ताकि आपका कल का क्विज अच्छा हो जाए, और आज अभी क्लास लिए ताज़ा ताज़ा चीजें जहन में भी हैं, तो इंशाल्लाह सही होगा क्विज। और 5 क्विज पूरे हो जाएंगे हमारे ना कल सर, ला के। जी सर ये प्रोजेक्ट कैसे डिमोन्स्ट्रेट करना है, आप थोड़ा सा बता देंगे? प्रोजेक्ट का आपके टाइमिंग वगैरह, वो प्रोजेक्ट लिस्ट तो आपने देख ली होगी, जी बिल्कुल, वो देख ली। प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर बस जो सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम 10-10 मिनट देखे ना, आप जूम पर आते जाएंगे, मैं सर वेटिंग रूम में। डॉक्यूमेंटेशन बनानी है या फिर आपको कैसे सॉफ्टवेयर कैसे चला के दिखाएंगे? बस आप ऐसा काम यही कीजिएगा कि वो जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया वो आप चला के दिखा देंगे, जूम मीटिंग के ऊपर स्क्रीन शेयर करेंगे अपनी, और अपना चला के दिखा देंगे, क्वेश्चनिंग होगी आपसे, सर और बस उसमें नॉर्मल वाइवा होगा एंड देन हाँ, फिनिश और फिर वो चीज आपको सर। सबमिट करानी, जो आपने बनाई है वो आपको मुझे सबमिट करानी होगी, सो सॉफ्टवेयर आपने वो बनाया कैसे? ईमेल वो आप ईमेल कर देंगे मुझे, वो सॉफ्टवेयर जो करेंगे? ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा, या वो पर जो जिप करके मुझे जूम सर ईमेल। मतलब जिप या रार फॉर्म में आपको ईमेल कर हाँ देगा लेकिन इसका रार कोई? फॉल ईमेल, ईमेल करने में मसला होता है, तो या तो आप उसको जिप गूगल जिप कर गूगल लेंगे ड्राइव सर। पे, गूगल ड्राइव पर रख के लिंक दे देना, उसका ईमेल कर देना, तो हाँ हाँ सर ऐसा कर लेंगे, गूगल ड्राइव पे रख के लिंक दे देंगे तो उससे सर। आसानी। अगर नोटपैड की फाइल ले जाए नोट पैड में असल में पूरा प्रोजेक्ट नहीं आता ना, वो पूरा प्रोजेक्ट आएगा चला के तो देखेंगे अपने एंड पे, बाद में देख लो। सर, वो मेरा तो पूरा ही आ गया, नोटपैड पे ही आ जाएगा, छोटा ही है मेरा तो, ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं नोट पैड पे तो आ जाएगा, लेकिन नोट पैड से मैं कह रहा हूँ पूरा आपका जो विजुअल स्टूडियो का अगर आप बना रहे हो, तो उसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो दे देना। सर सर विजुअल स्टूडेंट नहीं है ना सर, आपको ऑनलाइन ऑनलाइन है ना, पाइथन है तो ऑनलाइन वो है सब, वो क्या कहते हैं, तो उसकी फाइल नहीं है कोई भी। अच्छा, वो आपने ऑनलाइन करो, आप सपोर्ट दे देना, तुम अगर तुम उसको वेबसाइट से एक्सेस कर रहे हो तो वो पूरा कोड दे देना, ठीक है। अच्छा चलना चाहिए सर। जी ये हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब आगे क्या है? अब आगे देखो ये इस तरह का है, ये इस तरह, इसका ट्री बना के कोशिश करना बनाना, ठीक है, ट्री बनाना इसका, इस एक्सप्रेशन का बाइनरी ट्री, और उसको बना के फिर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का भी प्रैक्टिस कर लेना अपने, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फाइनल में आसान तेजी के साथ सवाल कर लोगे। बाकी ये एल्गोरिदम है, ये अपने एंड पे आप खुद ही पढ़ लेना, प्री ऑर्डर का एल्गोरिदम है, पोस्ट ऑर्डर का एल्गोरिदम है, ठीक है। ये उन्होंने स्टैक के जरिए इम्प्लीमेंट किया है, एनएलआर को स्टैक के जरिए इम्प्लीमेंट किया है, पुश और पॉप हो रहा है,
तो ये मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर, मतलब ये आपके सेल्फ स्टडी के ऊपर रख लेना, ठीक है, क्योंकि हमने ये काफी इस तरह के स्टैक की चीजें हमने की हैं, एल्गोरिथम पढ़े, तो ये सेल्फ स्टडी के तौर पे आपको मैं दे रहा हूँ, ये आप सारा सेल्फ स्टडी के तौर पे इसका एल्गोरिथम पढ़ लेना अपने एंड पे। और आखिर में ये हमने पढ़ ही लिया था शुरू में, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च को इसने ट्री के साथ इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। बाइनरी सर्च हमने शुरू में क्लासेस में कर लिया था, ठीक है, छोटी वैल्यू होगी तो लेफ्ट सब एरे लेता है, बड़ी वैल्यू होगी राइट सब एरे लेता है, ये हमने बिगनिंग और बिग ये सारा। सर एक चीज और पूछनी थी आपसे, अच्छा एक मेरी बात मुकम्मल कर लो, बात मुकम्मल कर लो जी। जी सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो ये आपने देखा, ये हमने शुरू की क्लासेस में ये किया था, पूरा एल्गोरिथम भी किया था, आपको याद होगा बाइनरी सर्च का, शुरू की क्लासेस में कर लिया था हमने, ठीक है। ये टॉपिक हमारा बाइनरी सर्च का हो चुका है, अब बस आपको जो है वो ये बस एल्गोरिथम अपने एंड पे देख लेना, बाकी चीजें हमने क्लास में डिस्कस कर ली। अब आप क्वेश्चन कर लें, क्या कर रहे हैं? हाँ जी क्वेश्चन कर लें क्या सर? मैं ये पूछ रहा था कि सर मेन की जो पेपर्स की लिस्ट है, पूरा शेड्यूल है, वो अपलोड हो गया, बट सर हमारी क्लास आईडी उसमें अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं दिख रही है, तो हमारी क्लास आईडी कहाँ आएगी सर? आपका नाम है बट आपकी दूसरी कोर्स आईडी है, हमारी नहीं है वहाँ पर, तो हम लोग क्या आपको का मतलब है, हाँ आपका जो है ना वो मेन का वीकेंड होगा या सिटी का कैंपस वाले के अंदर आपका टाइम टेबल आया होगा? अच्छा हमारी क्लास आईडी डीएस की सिटी में होगी, आपका वीकेंड पे होगा ना, वीकेंड वालों को वो मेन का रेगुलर में काउंट नहीं करते। अच्छा सही है, ठीक है, वो आप दूसरे में देखना, सिटी वाले में या कुछ में, वहां पर वीकेंड प्रोग्राम में आपका आएगा टाइम टेबल। सर वैसे आपको पता है किस डेट को है हमारा? देखो मैं आपको टाइम टेबल तो मेरे पास आ गया है सर, 6 सितंबर 6 दिसंबर को है, 6 दिसंबर कह रहे हैं और इसी में ही होगा। अच्छा ठीक है सर, तो मैं देखता हूँ अगर टाइम टेबल मिल जाएगा तो। जैसे ये रहा, देखें ये मेन इवनिंग मिड टर्म, ये फाइनल का था ना आपका, फाइनल फाइनल में मेन इवनिंग, आप मेन इवनिंग में आते हो तो ये इसमें हम कर लेते हैं, और यहाँ पर आके आपका ये नजर आएगा आपको शेड्यूल, तो 6 दिसंबर को चेक कर लें। 6 दिसंबर देखें, 6 दिसंबर में ये आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम 88 और 67 आईडी लगा हुआ है, 12 से 4 टाइम दिया, 12 से 4 6 दिसंबर, ठीक है सर। यानी कि ये 4 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटा ये आपको अपलोडिंग वगैरह के लिए एक्स्ट्रा मिला, सबमिशन का होगा, ठीक है सर। तो ये आपका टाइम टेबल है असल जो है, नोट कर ले। अच्छा सर प्रोजेक्ट के नंबर आप मतलब पेपर से पहले कर देंगे ट्राई करके? हाँ हाँ कल ही लगा दूंगा, कल ही आपके पास देने हैं, कोई मिस नहीं करना कल, ऐसा ना हो कि आपको कि नहीं बना बाद में, क्योंकि बाद का टाइम नहीं, कल मार्क्स रख देंगे शाम में प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो ये आप कल ही सपने दे रहे हैं, और कोई अगर मिस करेगा तो 0 जाहिर है फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कल ही सारी मार्क्स वर्किंग पूरी होगी, क्योंकि अब दिन टाइम नहीं है हमारे पास और सारी चीजें मुकम्मल करनी है जी। बेस्ट सिलेक्ट कोई भी नहीं हो रहा, 5 क्विज हो रहे हैं, 5 के 5 सिलेक्ट होंगे, नेम आईडी, नेम और आईडी मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है आप लिखते जाए, आ रहे मेरे पास काम आ रहे हैं। ठीक है नाम आ रहे हैं, मैं नाम बोल भी देता हूँ जो मेरे पास आए ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये शुएब अहमद है, तकी रजा है, मुनीब सुल्तान है, अब्दुल रहमान है, और असद सनाउल्लाह है, फराज अहमद है, अनस खान है, जुबैर अख्तर है, शेख मोहम्मद अहमद है, हफ्सा कवल है, हुजैफा है, रैयान मिर्जा, शेख मोहम्मद उमर शाहिद, अक्सा हुसैन, मुनीब सुल्तान, सैयद ताहा अनवर, नकाश लतीफ़, हुजैफा, रिमशा इम्तियाज, सैयद फाइक, मोहम्मद साद अयास, रिजवान, शेख रमीज़ अजहर, अर्श मोमिन, अबू बकर, शेख आयशा शाहिद, और अहमद हुसैन, उमर खान, अब्दुल राफे, जाजिब बिलाल,
और मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, ये सबके चैट पे मुझे मौसूल होने वाले नाम थे। तो जवेरिया प्यास का भी नाम आ गया, ठीक है। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ गई सर, मेरा नेट चला गया था 2 मिनट के लिए अभी। तो आपने नाम क्या लिखा, लिख दिया आपने? नो सर, चैट में नाम नहीं लिखा मैंने, मैं आप लिख लेता हूं। लिख दे, लिख दे चैट में नाम, नेम आईडी लिख दे चैट, ठीक है। जिन्होंने नाम लिख लिया है वो लीव कर सकते हैं कल इंशाल्लाह। फिर क्लास के टाइमिंग पे हमारी किस टाइम क्लास है? 9:30 बजे। आप बता दें सर, 9 बजे, 9:30 या 8:40, जिस टाइम आप बताएं सर। 9:30 बजे क्लास है, लेकिन हमारी ब्रेक, मैं कह रहा हूँ 9:30 से पहले शुरू कर ले तो अच्छा हो जाएगा। सर मैंने जो टाइम अलॉट करा है वो 9:30 से ही करा है, वो जो लिस्ट मैंने सेंड करी है। चलो सही है, फिर सही है 9:30 से करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी 9:30 से पहले करेंगे तो। फिर सही है, 9:30 बजे ही शुरू करते हैं कल, ठीक है। तालूद वगैरह का नाम आ गया, शुएब अहमद तालूद, ये नाम आ गया। सर आई एम सॉरी, मैंने अभी चेक किया सर, 9:15 से शुरू है, तो देख लें सर जैसे आपकी मर्जी। 9:15 सब आते रहेंगे, 5-10 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं, 9:15 स्टार्ट कर देंगे। अच्छा सर, तो जिस जिसका वैल्यूएशन हो रहा होगा सिर्फ मीटिंग में वही रहेंगे या ओवरऑल सबके साथ ही चल रहा होगा? नहीं बस मैं सबको वेटिंग रूम ऑन रखूंगा, सब आप रहे जरूर, लेकिन आप लोग वेटिंग में होंगे। मैं जैसे जैसे मुकम्मल होता जाएगा सीक्वेंस में इन करता जाऊंगा वेटिंग रूम से, और फिर इवैल्यूएशन होती है। ठीक है सर, थैंक यू। बस आप ये गणेश साहब, जिसका जिसका खो जाएगा कुछ से पहले वो लीव कर देगा या कुछ? आप मैंने आप हाँ वो करके आप वैसे भी लीव कर सकते हो क्विज, मैं टाइम बता दूंगा शुरू में, भाई इस टाइम मुझे क्विज लेना है, उस टाइम पे आपने जाके LMS से अपना क्विज पिक करके सॉल्व कर देना है, चाहे आपकी इवैल्यूएशन हुई हो या नहीं हुई हो, आपने LMS पे जाके उस टाइम पे टाइम बता दूंगा मैं आपको, उस टाइम से शुरू करना है। 15 मिनट दे दूंगा आपको, 15 मिनट के अंदर वो क्विज सबमिट करा देना, और बस फिर वो आखिर टाइम स्लॉट वाली लिस्ट दोबारा शेयर करवा दे जिसके अंदर टाइम स्लॉट था हर ग्रुप का। ये टाइम स्लॉट वाली लिस्ट फेसबुक पे शेयर हुई हुई है सर, 3 या 4 पोस्ट नीचे शेयर हुई हुई है फेसबुक पे, जाके चेक कर सकते हैं। ये फेसबुक पे हुई हुई है ना, वैसे तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था। जी सर, मैंने आपको व्हाट्सएप भी करी है, फेसबुक पे भी शेयर करी हुई है मैंने, 3 से 4 पोस्ट नीचे होगी बस। अच्छा फेसबुक पे है ना, मैं देख लेता हूँ ये आपको फेसबुक पे, चले फेसबुक पे आप देख लीजिएगा शेड्यूल, उसके हिसाब से इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सही, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।